फ्रेंड्स, इस प्रोफेसर कार्तिक थ्री वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एपिसोड नंबर 21 है और आज हम स्टार्ट करेंगे एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल। बच्चों तो इस पे एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन के अंदर पांच डिफरेंट साइकिल आती है, सिंपल एयर साइकिल विथ ऑपरेटर, बूस्टर साइकिल, बूस्टर विथ ऑपरेटर, रिड्यूस एम्बिएंट एयर एंड रीजनरेटिव साइकिल। बच्चों तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन यानी जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें रेफ्रिजरेशन की क्यों जरूरत होती है। बहुत सारे बच्चों सोचते हैं, बच्चे सवाल भी पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं कि जितना भी आप ऊपर जाते हो सर, हम जितना भी ऊपर जाएंगे उतनी एयर तो ठंडी होती है तो फिर आपको कूलिंग करने की क्यों जरूरत होती है। बच्चों तो इसका सिंपल लॉजिक है, आप कुछ मत करो, ऐसे अपने हैंड्स लो और ऐसे घिसना स्टार्ट करो। क्या हुआ, हीट फील हुई। तो इमेजिन करो बच्चों आपकी मोशन और एयरक्राफ्ट की मोशन, जस्ट थिंक अबाउट द एयरक्राफ्ट मोशन और कहां पे मोशन कर रहा है वो एयर के अंदर। तो एयर और एयरक्राफ्ट की बॉडी दोनों के बीच क्या होगा, रिलेटिव मोशन है। जब भी रिलेटिव मोशन होगा तब क्या होगा, फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, हीट जनरेट। बच्चों इतनी हीट होती है यानी उसका कुछ पुर्जा भी नीचे कुछ ना बचे, यानी जैसे ही स्पार्क हो और सब उड़ जाए, समझ में आ रहा है, इतना ज्यादा एक्सप्लोजन होगा। तो जो भी हीट है वो एयरक्राफ्ट के अंदर आती है। जस्ट थिंक अबाउट मटेरियल के, वो मटेरियल भी कितना अच्छा होगा कि वो बर्न नहीं होता या एक्सप्लोजन नहीं होता है। बच्चों तो जो भी हीट होती है वो फ्रिक्शन की वजह से एयरक्राफ्ट के अंदर आ जाती है। तो आपको केबिन में कूलिंग चाहिए और केबिन में दो चीज के लिए कूलिंग चाहिए, एक तो कंफर्ट कूलिंग जो आदमी होते हैं इन लोगों की है, या जो भी चीज होती है वहां पे प्रोडक्ट फूड्स और वो सब होती है, मशीन इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसकी कूलिंग के लिए। सो कंफर्ट कंडीशनिंग के लिए और प्रोडक्ट कंडीशनिंग के लिए, इस दोनों की चीज के लिए आपको कूलिंग की जरूरत होती है। बच्चों तो उनमें से हम एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल में से हम जो पहली साइकिल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम विदाउट इवोपरेटिव कूलिंग। यानी बच्चों इसमें इवोपरेटर नहीं होगा, सिंपल साइकिल होगी। बच्चों सबसे पहले समझ रहे थे पूरा जो पार्ट है वो एयरक्राफ्ट का इंजिन पार्ट है आप जो देख रहे हैं। अब यहाँ पे हमें समझना है, एक कंप्रेसर है, एक टर्बाइन है, इस कंबशन चेंबर है, एक हीट एक्सचेंजर है, एक कूलिंग टर्बाइन है और एक यहाँ से एयर ठंडी होकर केबिन के अंदर जाती है। बच्चों तो सबसे पहले एटमोस्फेरिक एयर होती है, तो एटमोस्फेरिक एयर वो यहाँ पे अंदर आती है। तो ये क्या होता है बच्चों, ये जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है डिफ्यूजर। अब डिफ्यूजर का काम क्या होता है, डिफ्यूजर का काम होता है काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करना। सो बच्चों जैसे ही एटमोस्फेरिक एयर होती है वो डिफ्यूजर के अंदर आती है, तो क्या होता है कि जो हाईली काइनेटिक एनर्जी वाली एयर होती है उसकी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी बच्चों डिफ्यूजर क्या करेगा कि जो भी एटमोस्फेरिक एयर आएगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाईली प्रेशराइज एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। बच्चों तो अब जितना भी आप टेम्परेचर पे जितना ज्यादा जाओगे, हाइट पे जाओगे, और जैसे ही वो उस टेम्परेचर को लो प्रेशर वाली एयर को कंप्रेस करोगे तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उस इफेक्ट को बोला जाता है रैम इफेक्ट। बच्चों तो यहाँ पे डिफ्यूजर की वजह से जो बाहर की एटमोस्फेरिक एयर आ रही है तो डिफ्यूजर में आएगी, डिफ्यूजर क्या करेगा उसको कंप्रेस करेगा, तो वो क्या करेगा कि वो काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे जो प्रेशराइज एयर हमें मिल रही है, जो जिसका टेम्परेचर बढ़ गया है, उसको बोलते हैं रैम एयर और इस इफेक्ट को बोलते हैं रैम इफेक्ट। तो बच्चों ये जो रैम एयर होती है वो फिर बाद में कंप्रेसर में आती है, कंप्रेसर में आके वो कंप्रेस्ड होती है, देन इट विल गो टू द कंबशन चेंबर। बच्चों जो सीसी लिखा हुआ है मैंने, तो कंप्रेशन चेंबर के अंदर वो फ्यूल होता है। तो जैसे ही कंप्रेस्ड एयर और फ्यूल दोनों मिलेगा तो क्या होगा, पावर होगा, एक्सप्लोजन होगा। तो जो पावर मिलेगा वो जाता है टर्बाइन को और टर्बाइन अपना पावर देती है कंप्रेसर को, जिसकी मदद से कंप्रेस चलता है। तो बच्चों आपने देखा कि जो कंप्रेस्ड एयर हुई इसमें थोड़ी सी कंबशन चेंबर में गई, जहां से फ्यूल रखा हुआ था, पावर मिला, कंप्रेसर चलता है, और बाकी की कंप्रेस्ड एयर है वो यहां से ओके आप देख रहे हो बच्चों एक कंप्रेस्ड एयर का फ्लो है। कंप्रेस्ड एयर ये कंप्रेस्ड आप देख रहे हो, कंप्रेस्ड एयर यहां से ओके हीट एक्सचेंजर में पसार होगी। बच्चों ये जो मैंने दोहराया वो हीट एक्सचेंजर है, तो ये कंप्रेस्ड एयर होगी। अब हीट एक्सचेंजर में आएगी तो हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, उसको कूलिंग करना पड़ेगा। तो कूलिंग करने के लिए यहाँ पे कोई दूसरी चीज चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, कूलिंग के लिए यहाँ पे जो रैम एयर है विदाउट कंप्रेसर वाली, तो ये रैम एयर है वो क्या करेगी, रैम एयर इसका कूलिंग करके निकल जाएगी। तो यहां से आपको मिलेगी वो कोल्ड एयर होगी। बच्चों यहाँ पे आपको जो मिलेगी वो कोल्ड एयर होगी, और इसको और भी ठंडा करना है तो आप क्या करते हो, इसको और एक्सपांड करता करवाते हो कूलिंग टर्बाइन के अंदर। तो जैसे ही कूलिंग टर्बाइन के अंदर एक्सपांड होगी तो और ठंडी हो जाएगी, और फिर वो जो कोल्ड एयर उसको हम कहाँ पे भेजेंगे, केबिन में, जहां पे हमको चाहिए। और बच्चों ये जो टर्बाइन है यहाँ पे एक्सपांशन होगा तो हमें वर्क मिलेगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे फैन है, इस फैन को हम चलाते हैं। इस फैन की वजह से क्या होता है कि जो भी रैम एयर है वो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब करके गई है, वो पूरी एग्जॉस्ट होके बाहर निकल जाए एटमोस्फियर के अंदर। तो आपको समझ में आया बच्चों, कुछ नहीं होता है, बहुत इजी सिस्टम है। आप देखो बच्चों यहाँ पे रैम एयर हम क्यों कूलिंग के लिए ले रहे हैं, क्योंकि रैम एयर है उसके कंपैरिजन में कंप्रेस दे रहे हैं उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है, इसलिए वो हम उसको कूलिंग के लिए यूज कर रहे हैं। बच्चों तो बहुत इजी है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं है। आई होप कि आपको ये थियरी समझ में आई होगी, अगर आपको थियरी आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।